मंगलम केंद्र पर मॉड्यूलर कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन समाज सेवी संस्था मंगलम और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के सहयोग से किया गया था। इस शिविर में पूर्व में भी चयनित दिव्यांगों को मॉड्यूलर कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। शिविर के दौरान 142 दिव्यांगजनों को मॉड्यूलर कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। इसमें 19 कटे हुए हाथ के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, 72 पैर कटे वालों को कृत्रिम अंग और 51 कैलिपर्स प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने उन दिव्यांगजनों से बात की जिन्हें इस शिविर में मॉड्यूलर कृत्रिम अंग बना कर दिए गए। शिवपुरी की समाज सेवी संस्था मंगलम और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा पिछले दिनों शिवपुरी में चिन्हान कर शिविर लगाया गया था, जिसमें 500 से ज्यादा दिव्यांगजनों ने अपना परीक्षण कराया था। इस परीक्षण के उपरांत 142 दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें मॉड्यूलर कृत्रिम अंग नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के सहयोग से दिए गए हैं। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है स्नेहा। स्नेहा, ये आपका जो पैर टूटा था, कैसे टूटा था? एक पक्का मकान था, उसका तीर टूट गया, कड़ा पार्ट गिर गया था, उससे टूट गया। कब टूटा था? 2-3 साल हो गए। उसके बाद अब आपको जो नया कृत्रिम पैर लग गया, कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या नाम है अंकल आपका? माता जी रजक। कहाँ से आए हो? घुघरीपुरा से। अच्छा जी, आपका जो पैर पहले जो एक्सीडेंट आपका हुआ था, कहाँ पे और कैसे हुआ? कोलारस क्रॉस पे। कब हुआ था? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। उसके बाद फिर आपका ये जांच वगैरह इसकी जो हुई थी, कब हुई थी? पावन को महीना। आज आपको ये नया कृत्रिम पैर लग गया, कैसा लग रहा है? नहीं, बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हरवान सिंह जाटव। अच्छा, कहाँ से आए हो? ग्राम खेराई तहसील करेगा। तो ये आपका जो हाथ पहले नहीं था, क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा? बहुत बचपन से सर। बचपन से नहीं था, तो आपने यहाँ पे आए थे जी? क्या हुआ था फिर? यहाँ पे आए, उन्होंने जांच करी, नाप वगैरह लिया पहले, और फिर आज बुलाए, लगा दिया हाथ। आपको हाथ लग गया, कितने कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। और क्या कहना चाहोगे? और क्या कह दे सर, बढ़िया है। इसके बारे में आपको पता किसे पड़ा? सर, हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, सचिव, उन्होंने बताया था, बोले कि आपकी तहसील पे कैंप है, उन्होंने बताया। फिर हम करे आए, जब फिर उन्होंने बताई थी, बोली आप शिवपुरी चले जाओ, तब आपको लग गया। जय श्री कृष्णा, मैं मुकेश शर्मा, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से, और शिवपुरी के सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं मंगलम शिवपुरी के संयुक्त तत्वावधान में कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन रखा गया है। इस शिविर में लगभग 130 पेशेंट है, वो इस कृत्रिम अंग से लाभान्वित होंगे। किसी के हाथ है, किसी के पैर है, किसी को कैलिपर्स है, और किसी के दो दो पैर भी हैं, किसी के दो हाथ भी है। ये चीज़ें आज सब लगेगी, और माननीय श्रीमंत यशोधरा राजे जी सिंधिया साहब पधारेंगे अभी, और उनके सुबातों से इनको यहाँ वितरण किया जाएगा। और नारायण सेवा संस्थान का पहले यहाँ मेजरमेंट शिविर हुआ था 8 महीने पहले, और उस शिविर में ये सभी पेशेंट आए थे, और इनका मेजरमेंट लेने के बाद में ये सारा सामान उदयपुर से बन के आया, और आज यहाँ 25 तारीख को यह वितरण किया जा रहा है, नवंबर को। और सभी पेशेंट खुश हैं, और जिनके हाथ पैर लग गए हैं वो पेशेंट अपने पैर पर चल पा रहे हैं, और किसी के हाथ लगाए तो वो हाथ पा करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो नेक का काम नारायण सेवा संस्थान और मंगलम शिवपुरी ने मिलकर जो किया है, इसी तरह जैसे सेवा के कार्य आगे भी इसी तरह इस शहर में होते रहे, और नारायण सेवा संस्थान को यहाँ और बुलाया जाए, और आगे भी आगे कैंप लगाते रहे। और मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे यहाँ नारायण सेवा संस्थान से जुड़े दानवीर भामा साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की वजह से हम उदयपुर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी यह सेवा कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ धन रूपी लक्ष्मी जो दानदाता उदयपुर भेज रहे हैं, उससे इन दिव्यांग भाई बहनों का निःशुल्क ऑपरेशन हो रहा है, और ऐसे कृत्रिम अंग वितरण के कैंप लगा करके हम संपूर्ण भारतवर्ष में यह सेवा कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँ कि इसी तरह आगे जुड़े रहे, और ऐसे भी कैंप मंगलम शिवपुरी में होते रहे। जय श्री कृष्ण।